हमारा ये मिस्टीरियस दिमाग उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे इस भौतिक शरीर में यह छोटा सा दिमाग अनगिनत संभावनाएं रखता है, बट अफसोस तो यह है कि हम इसकी शक्ति के बारे में नहीं जानते। ये दिमाग चीजों को याद रखता है, घटनाओं को स्टोर करता है, लेकिन हम इंसान अपने इस दिमाग को अलग ही ढंग से प्रोग्राम करते हैं, इसकी क्षमता और संभावनाओं को खो देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई इम्पोर्टेंट बात याद रखना चाहते हैं तो उसे लिख लेते हैं। आप सोचते हैं लिखने से वह चीज याद रहती है? नहीं, बल्कि आप लिखते ही इसलिए हो कि आप जानते हो आप इसे भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो लिखी हुई चीज को आप दोबारा देखकर उसे याद कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कितने मोबाइल नंबर्स याद हैं? कमेंट में जरूर बताना। आज हमारे पास में मोबाइल नाम की एक छोटी सी डिवाइस है। हम ज्यादातर नंबर्स याद करने की कोशिश नहीं करते, बस अपने मोबाइल में टाइप किया और उसे सेव कर लेते हैं। असल में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। दिमाग से इस्तेमाल होने वाली चीजें आजकल हमने टेक्नोलॉजी पर छोड़ दी हैं। हमारा और हमारे दिमाग का काम, याद रखने का काम, ये सब कुछ आजकल रोबोट और टेक्नोलॉजी करती हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते, हमारे दिमाग की शक्ति आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोट इससे कहीं ज्यादा है। आफ्टर ऑल हमारे दिमाग ने ही इन सब चीजों का निर्माण किया, आविष्कार किया। हमारे दिमाग की याददाश्त और मेमोरी कमाल होती है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। विवेकानंद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और विवेकानंद के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी याददाश्त जबरदस्त थी। वे बहुत ही जल्दी पूरी किताब पढ़ लेते थे और उसे वर्ड टू वर्ड याद भी कर लेते थे। कहानी कुछ इस तरह से है। ये बात उन दिनों की है जब विवेकानंद देश भ्रमण में थे। उनके साथ उनके एक गुरु भाई भी थे। देश भ्रमण के दौरान जहाँ पर भी उन्हें अच्छे ग्रंथ मिलते थे, वे उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। किसी भी नई जगह जाने के बाद उनकी सबसे पहली तलाश लाइब्रेरी की होती थी। एक बार की बात है, एक जगह उन्हें एक लाइब्रेरी ने काफी अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें यहाँ कुछ दिन तक रुका जाए। उनके गुरु भाई उस पुस्तकालय से उनके लिए इंग्लिश और संस्कृत की नई नई किताबें लाकर देते थे, और विवेकानंद उन किताबों को पढ़कर अगले दिन ही वापस दे देते थे। रोज रोज नई नई किताबें लाना और उसे अगले दिन ही वापस कर देना। यह देखते हुए उस पुस्तकालय का लाइब्रेरियन काफी परेशान और हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ही ले जाते हैं? अगर आप इन्हें केवल देखना ही चाहते हैं तो मैं यहीं आपको सभी किताबें दिखा देता हूँ। आप रोजाना किताबों का इतना वजन उठाते हैं और किताबों को ले जाते हैं और फिर वापस देते हैं, यह शोभा नहीं देता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन से सीरियसली एक बात कही, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन सभी किताबों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं। उसके बाद ही किताब को वापस किया जाता है। लाइब्रेरियन ने यह बात सुनी और काफी चकित हुआ और कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके गुरु विवेकानंद जी से मिलना चाहूंगा। अगले दिन स्वामी जी की मीटिंग उनके साथ हुई और स्वामी जी ने कहा, महाशय आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से आई हुई सभी किताबों को न केवल मैंने पढ़ा है, बल्कि वह सभी किताबें मुझे मुंह जवानी याद हैं। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की हुई कुछ किताबें उस लाइब्रेरियन को थमाई और किताब में मौजूदा महत्वपूर्ण कंटेंट उन्होंने मुंह जवानी उस लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी तेज याददाश्त का रहस्य पूछा। तब विवेकानंद बोले कि किसी भी चीज को पूरे फोकस के साथ थॉटलेस किया जाए तो वह पूरी तरह से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आपका दिमाग चीजों को कभी नहीं भूलता। उसके लिए आपको जरूरी है आपके अपने मन की और दिमाग की शक्ति को पहचानना, और यह शक्ति अभ्यास और ध्यान से आती है। और आप तो जानते ही होंगे, विवेकानंद बहुत ध्यान किया करते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था या तो वो किताबें पढ़ते थे या वो गहरे ध्यान में होते थे। ऐसी एक दूसरी कहानी मैंने सुनी सदगुरु के एक वीडियो में। उन्होंने भी विवेकानंद की याददाश्त के बारे में एक छोटी सी घटना कही। चलिए अगर वो घटना आपने नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। विवेकानंद भारत के पहले ऐसे योगी थे जो अमेरिका गए थे 1893 में, और उन दिनों विवेकानंद ने एक क्रांति सी ला दी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटते समय वह एक जर्मन फिलोसोफर के पास मेहमान थे। डिनर के बाद वो एक स्टडी रूम में आपस में बैठकर चर्चा करने लगे। वहीं मेज पर एक 700 पेज की बड़ी किताब रखी हुई थी और वो फिलोसोफर उस किताब की बहुत ही बड़ाई कर रहा था।
फिर विवेकानंद बोले कि क्या आप मुझे यह किताब एक घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ ऐसा इस किताब में क्या है। फिर वह आदमी हंसने लगा और कहा कि क्या आप इस किताब को एक घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस किताब को समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही जटिल है। और वैसे भी यह किताब तो जर्मन भाषा में है और आपको तो यह भाषा आती भी नहीं है। इस एक घंटे में आप क्या कर सकते हैं? विवेकानंद ने कहा कि आप जरा किताब तो दीजिए, किताब को देखकर बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्हें वह किताब दे दी गई। उन्होंने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और फिर आंखें बंद कर बैठ गए। और फिर एक घंटे बाद किताब को वापस करते हुए विवेकानंद ने कहा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद ही हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। इवन आपको ये भाषा तक नहीं आती। मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ गया कि ये किस तरह की बकवास है। फिर विवेकानंद बोले कि आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा पेज 633 में क्या लिखा है। और फिर विवेकानंद ने किताब में लिखा एक एक शब्द दोहरा दिया। मतलब आप बस पेज का नंबर बोलिए, वो उस पेज पे लिखी बातों को वर्ड टू वर्ड बता देंगे। फिर वह बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं, ऐसा कैसे हो गया? विवेकानंद बोले, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। वैसे उनका नाम नरेंद्र था, उनके गुरु ही उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ही कुछ ऐसी थी जो उनके गुरु ने पहचान ली थी। तो कुछ इस तरह से थी विवेकानंद के दिमाग की क्षमता, उनके बोध की शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति। यह सिर्फ जब ही संभव है जब आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं, उस पर भरोसा कर पाएं। आप यह मत सोचिए कि विवेकानंद के पास में ही यह शक्ति उस ईश्वर ने दी थी, बल्कि हम सब में हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। हम सबका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है, बस हम उसे जानते नहीं हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आप भी मेडिटेशन करते रहिए, शायद आप भी एक दिन अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं और आप ट्रांसफॉर्म हो सकें एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान में। एंड लास्ट, अगर आप अपने सवाल या कमेंट पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल आंसर वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और आपका क्वेश्चन वर्ल्ड के प्रति इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।